खान भाई, यहाँ से जो आप खड़े हुए हैं, तो आप क्या लोगों की समस्याओं को जानते हैं कि आखिर यहाँ सबसे बड़ी लोगों की समस्या क्या है? सर, मैं यहाँ पे 15 साल से मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं जानता हूँ, मेरे सभी दोस्त यार हैं कि यहाँ के मसले क्या है। यहाँ पे काम होते नहीं है, कुछ एजुकेशन नहीं है, ड्रग माफिया यहाँ पे ज़्यादा है और एजुकेशन यहाँ पे बहुत कम है। तो मैं चाहता हूँ हमारे यहाँ के बस MLA साहब कुछ काम करें, क्योंकि एक कॉलेज नहीं है, एक स्कूल नहीं है, एजुकेशन में हम लोग बहुत पीछे हैं। और दूसरा, यहाँ पे कोई नेशनलाइज बैंक भी नहीं, जो कि होना चाहिए था। हम लोग को अगर बैंक अगर जाना है तो हम लोग जाते हैं गोंडी गांव में या तो क्या चेंबूर जाना होता है। खान भाई, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी अभी आपने बताया कि यहाँ पर नशाखोरी ज़्यादा होती है, तो उसको रोकथाम के लिए अगर आप यहाँ से जीते तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहला मेरा काम सर वही होगा कि मैं यहाँ पे नशे के लिए आवाज़ उठाऊंगा। जो हमारे यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन है दोनार और यहाँ के ACP साहब और DCP साहब से मीटिंग करके हम उसके खिलाफ क्या बोलते हैं, एक मुहिम चलाएंगे। यहाँ से काफ़ी सारे उम्मीदवार हैं, जैसे पूर्व नगर से विठल लोकप्रे हैं, BJP से बबलू पांचाल हैं, समाजवादी के बबलू भी हैं और कुफे खान भी हैं, तो इन सब जो रेस में आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं? सर, मेरा सुहेल खान को तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, उनसे मेरा कुछ है नहीं, मतलब कंपटीशन, वो अपक्ष उम्मीदवार हैं। मैं अभी विठल लोकरे और बबलू पंचाल को देखता हूँ अपने सामने, बाकी मैं किसी को अपने सामने देखता नहीं। अगर आप यहाँ से जीते तो लोगों की समस्याओं के लिए सबसे पहले आप कौन सी समस्या को हल करना चाहेंगे? ड्रग के लिए मैं क्या बोलते काम करना चाहूँगा, पहले जो कौम बर्बाद हो रही है उसके लिए मैं करना चाहूँगा। ये थे सद्दाम खान, जिनका कहना है कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं, लोग अगर उन्हें जिताकर देते हैं, तो वो सबसे पहले यहाँ की नशा मुक्त कराएंगे इस एरिए को, जो बहुत बड़ी समस्या है। जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर नशा नहीं होगा, नशा मुक्त हो जाएगा ये गोवंडी एरिया, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो अभाव है यहाँ पर, वो भी उसमें भी सुधार आएगा। मैं संजय मेहरोलिया, कैमरामैन तब्रेज खान के साथ, गोवंडी, आपका न्यूज़, मुंबई।